हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो सभी को पहले मैरी क्रिसमस और हैप्पी तुलसी दिवस। मैंने तुलसी दिवस आज तक तो कभी सुना नहीं था, आज पहली बार सुन रही हूँ। मतलब मैंने पिछले साल तक ध्यान नहीं दिया था, शायद इस बार मैंने ध्यान दिया। और ध्यान क्या दिया कि मैंने सब मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं हैप्पी तुलसी दिवस, तो मुझे समझ में नहीं आया इस बात का, लेकिन जैसे भी है हैप्पी तुलसी दिवस। सो अब मैं ला रही हूँ अपना नाश्ता, अब जा रही हूँ लाने। सो मेरे नाश्ते में है, अब मिला है मुझे आलू का पराठा, बट ये तो इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। दूसरा वाला सही है दूध। सो हम करते हैं नाश्ता, आप भी कर लो हमारे साथ नाश्ता। ओके, मिलते हैं बाद में। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो अब मैं बना रही हूँ राइस, मतलब आज मैं बना रही हूँ राइस क्योंकि मुझे राइस खाने का मन कर रहा था। तो उसके लिए मैंने लिया है मिर्च, प्याज, गाजर, तेज़पत्ता और लौंग। और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, जैसे काजू और मूंगफली। तो देखो आज की राइस कैसी बनती है।
राइस बन चुकी है, जो हम खा के बताते हैं कैसा है। मिर्च मत आना। ये बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग भी बना के ट्राई करना। लेकिन जो इसमें काजू का स्वाद है ना, मेरे हर बाइट में काजू का स्वाद आएगा, ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आलू भी ला देती इसके लिए, आलू की भाजी भी थी वहाँ पर, मूंगफली भी फ्राई की है यार। अरे सब कुछ है उसमें, कितना अच्छा तो बना रहा है। शाही पुलाव है, शाही क्या कहते हैं मम्मी से, शाही राइस। अरे पेट जो भर जाए तो फिर तो अच्छा हो रखा था जो बनाया था ना तूने आज, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था दिन में। सही बना नहीं बॉबी, चम्मच से खा ले भी। आज मैंने सोचा शाम को गोभी नहीं जाती हूँ, गोभी का पराठे बनाऊंगी। गोभी गोभी लाने गई, गोभी लाने गई तो गोभी अच्छी ठोस ठोस गोभी नहीं जाएगी। हैं मम्मी के चेहरे में कितना ग्लो आ रहा है। केन आ रहे तो बहुत एक्सरसाइज कर रखी है ना इसीलिए। कितनी मेहनत से करी एक्सरसाइज बिल्ली में बता बैठे बैठे दाजो टूटे अच्छी मगा परंतु एक्सरसाइज वाली मैडम को बुलाओ, इतनी एक्सरसाइज कर देगी ना वहाँ पर। कल कभी ठहरी वैसे भी कर गई थी मैंने कहा कौन ये मैं करूंगी तो कहेंगे यार ये बुढ़िया पकड़ा गई, तू कर रही होगी, तू कर रही है कह रहे होंगे, बेटी कर रही है माँ देखी है कह रहे होंगे। हाँ दूर से तो वैसी लग रही थी, फिर वह अब मैं करूंगी तो कहेंगे नहीं यार ये बुढ़िया पकड़ा गई है। सरदार ने बोला जल्दी जा जी ले अपनी जिंदगी, जी रहा हूँ अपनी जिंदगी जल्दी छुट्टी करके। काजल का डब्बा भी लाई हो तो इतना दबदबाने की जरूरत है। 10 रुपए का नहीं लाई मैं काजल, महंगा वाला लाई हूँ ना। तो महंगा होता तो इतना लगाती ही नहीं। नहीं ऐसा हुआ ना, 5 रुपए का महंगे की दुकान। हाँ वो डब्बे वाला ना, काले डब्बे वाला, वही वाला। जी जी मेरा काजल महंगा, मैंने ना आज सुबह ऐसे कर रही थी, मैंने पहले कल तक ऊपर लगाती थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं नीचे भी लगाती हूँ तो कैसी लगती थी। नहीं मैंने ना ऐसे ऐसे रखी पेंसिल, आंख बंद करे फिर ऐसे करी। इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बॉबी से मांग लिया आईब्रो थोड़ा, बहुत है मेरे लिए तो कल ठीक है, बॉबी के पास है, मेरी भी ठीक ही है। खुश कर दे रही अपने आप को। खुद को खुद खुश करना चाहिए ठीक है, किसी और की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखो वहाँ सनसेट होने वाला है। बोले अंकल के सर में बाल और इसके आंखों में आईब्रो बराबर ही है। किसके? अंकल के सर में बाल और इसके आंखों में आईब्रो बराबर ही है। Don't get jealous from my eyes, okay, mommy? पर क्या लगा रखी पता, डड़वा जा क्या बना रखी। सही कह रहे हो, यही होगा। तुम्हारी आंखें दिखती नहीं है करके, मेरी आंखें थोड़ी दिख रही है करके जल रही है ना मम्मी। बाहर सारे दिन के चने गए, चिड़ियाएं देखो कितने अच्छे जा रही है। बाय, अच्छे से अपने घर जाना। सारे दिन ठीक, 2 महीने और है आज, जनवरी और फरवरी ठंड। कितने अच्छे दिन लगाओ, जनवरी फरवरी फिर गर्मी है, बाप बाहर निकलने जैसा ना अंदर रहने जैसा। मम्मी सुनो, ठंडी में भी तुम ऐसे नाक निचोड़ती, गर्मी में तुम ऐसे कहते हो छी गर्मी, हाँ फिर उसके बाद तुम बरसात में क्या कहोगी, बरसात में भी ऐसी कहती है छी बारिश से तो ठंडा गर्म अच्छा।
इनकी बातें चलती रहेंगी, आप ये देखें कि आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। सामने से ये और भी सुंदर दिख रहा था, मैंने दिखाने की कोशिश करी पर ये आपको दिखा नहीं उतने अच्छे से, पर आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।